Hello everyone. Welcome to my channel, Eco Shala. Our mission to educate the nation. आज हम सीखने वाले हैं लॉ ऑफ सप्लाई. लॉ ऑफ सप्लाई ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम में, जो क्वेश्चन नंबर 6 में 8 मार्क्स के लिए हमें पूछा जाता है. तो इसकी तैयारी दोस्तों अच्छे से करनी होगी. सो हम स्टार्ट करते हैं लॉ ऑफ सप्लाई. तो सबसे पहला, जब ये क्वेश्चन लॉ ऑफ सप्लाई एग्जाम में आता है, तो सबसे पहला हमें क्या लिखना होता है कि लॉ ऑफ सप्लाई किसने इंट्रोड्यूस किया. तो किसने इंट्रोड्यूस किया? प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल. फिर उन्होंने एक बुक भी लिखी, प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, जो पब्लिश हुई कभी 1890 में. तो ये आपका पहला पॉइंट होना चाहिए. दूसरा पॉइंट अपना होना चाहिए स्टेटमेंट ऑफ लॉ, जिसमें उन्होंने स्टेटमेंट दिया है लॉ ऑफ सप्लाई के रिलेटेड. तो स्टेटमेंट क्या है, क्या बोला उन्होंने? अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट. अब अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट का मतलब डिटरमिनेंट्स ऑफ सप्लाई में प्राइस के अलावा जितने भी डिटरमिनेंट्स है, इन्हें अदर फैक्टर्स बोलते हैं, अदर थिंग्स बोलते हैं, जो अल्फ्रेड मार्शल ने बोला है कि वो कांस्टेंट होना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए. चेंज सिर्फ क्या होगा फ्रेंड? प्राइस, और उसके वजह से क्या? सप्लाई, जो उन्होंने स्टेटमेंट में बताया. क्या? अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, हायर द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, मोर इज द क्वांटिटी सप्लाइड, एंड लोअर द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, लेस इज द क्वांटिटी सप्लाइड. तो ये स्टेटमेंट प्राइस और सप्लाई में एक रिलेशन पैदा करती है, जिसको बोलते हैं डायरेक्ट रिलेशन. डायरेक्ट रिलेशन में क्या होता है फ्रेंड्स? प्राइस विल राइज, सप्लाई ऑल्सो राइजेस. प्राइस फॉल्स, सप्लाई फॉल्स. दिस रिलेशन इज कॉल्ड एज डायरेक्ट रिलेशन. और अल्फ्रेड मार्शल ने भी यही स्टेटमेंट में भी बताया है कि सेलर हाई प्राइस में ज्यादा बेचता है, लो प्राइस में कम बेचता है. ऐसा स्टेटमेंट ऑफ लॉ में अल्फ्रेड मार्शल ने हमें बताया है. ओके, सो आपका नेक्स्ट पॉइंट क्या रहेगा? एस एक्स इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ पीएच. ये भी एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, आपको कोरिलेशन में ये पूछा जा सकता है. सप्लाई ऑफ कमोडिटी इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ कमोडिटी. तो ये था अपना फर्स्ट फेज, जो लॉ ऑफ सप्लाई आएगा. तो ये तीन चीज पहला लिखना है और फिर तुरंत स्टार्ट करना है शेड्यूल. और बिना शेड्यूल के डायग्राम तो बना नहीं सकते, इसीलिए पहला शेड्यूल बनाना है, फिर डायग्राम बनाना है. सो शेड्यूल में हमारे दो कॉलम होंगे, प्राइस ऑफ कमोडिटी एंड क्वांटिटी सप्लाइड. ओके, अब हम एग्जांपल ले लेते हैं. अगर मार्केट में ऑनियन 10 रुपीज पर केजी है, तो हमारे सेलर ने कितना बेचा? 100 केजी. प्राइस 10 रुपीज से कितना हो गया? 20 रुपीज. तो सप्लाई हो गया कितना? 200. प्राइस हो गया 30, तो सप्लाई हो गया 300. प्राइस हुआ 40, सप्लाई हो गया 400 केजी. प्राइस हो गया 50, सप्लाई हो गया 500 केजी. तो शेड्यूल क्या बता रहा है दोस्तों? हायर द प्राइस ऑफ कमोडिटी, मोर इज द क्वांटिटी सप्लाई. इसको उल्टा पढ़ेंगे तो लोअर द प्राइस ऑफ कमोडिटी, लेस इज द क्वांटिटी सप्लाई. क्यों ऐसा? बिकॉज प्राइस एंड सप्लाई हैज डायरेक्ट रिलेशन. इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखना कि प्राइस एंड सप्लाई हैज डायरेक्ट रिलेशन. शेड्यूल अगर समझ में आया है तो हम अभी फटाफट डायग्राम बना लेते हैं. ओके, सो डायग्राम का फर्स्ट रूल इज यू हैव टू ड्रॉ एक्स एक्सिस एज वेल एज y एक्सिस. और जैसे ही आपका x एक्सिस y एक्सिस बना लिया आपने, तो x एक्सिस को नेमिंग दे देंगे क्वांटिटी सप्लाइड इन केजी, और y एक्सिस को नाम दे देंगे प्राइस इन रुपीज. तो जैसे कि हमने शेड्यूल देखा है, वही नंबर्स लेना है. सो 10 रुपीज में हमारा सप्लाई था 100 केजी, 20 रुपीज में हमारा सप्लाई था कितना? 200 केजी. फिर 30 रुपीज में हमारा सप्लाई था कितना?
300 kg, then 40 रुपीज में हमारा सप्लाई था 400 kg, और 50 रुपीज में हमारा सप्लाई था 500 kg। यस स्टूडेंट्स, इतना समझ में आया आपको? यस। अब ध्यान देना, जो भी नंबर्स आपने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे लिया है, डिस्टेंस सबका इक्वल होना चाहिए। अगर एक्स एक्सिस पे लिखे हुए नंबर्स पे अगर आपने 2-2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लिया है, उतना ही डिस्टेंस आपको वाई एक्सिस के नंबर पे भी लेना है, तभी कर्व स्ट्रेट आएगा, अच्छा आएगा। ओके, सो हमने अभी क्या देखा, 10 रुपए में 100 kg, 20 रुपीज में 200 kg, 30 रुपीज में 300 kg, 40 रुपीज में 400 kg, और 50 रुपीज में 500 kg। तो ये हुआ डायरेक्ट रिलेशन, और डायरेक्ट रिलेशन में कर्व का मूवमेंट आता है कैसे, अपवर्ड। सो ये रहा हमारा सप्लाई कर्व, अपवर्ड मूवमेंट, और ये ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखो। जो कर्व अपवर्ड मूवमेंट होता है उसका स्लोप पॉजिटिव माना जाता है मेरा फ्रेंड्स, समझ में आया आपको? तो सप्लाई कर्व का मूवमेंट इज अपवर्ड और उसका स्लोप इज पॉजिटिव। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।